शहर के कई इलाकों में सड़कें हैं बेहाल, कीचड़ से गुजरकर बच्चे पहुंचते हैं स्कूल, शिकायतों के बाद भी कोई नहीं है सुनने वाला। शहर के वार्ड क्रमांक एक निपनिया स्थित शमाई अंजुमन कॉलोनी में रहने वाले लोग पिछले काफ़ी समय से सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पर सड़क के नाम पर मिट्टी दिखती है, बारिश के चलते पूरा कीचड़ हो जाता है। पास ही में स्कूल है, जिसके चलते बच्चों को इस कीचड़ से होकर स्कूल तक का सफ़र तय करना पड़ता है। कभी कभी बच्चे गिर भी जाते हैं और उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। इस समस्या से बच्चों को ही नहीं, हर उस किसी को जूझना पड़ता है जो यहाँ से गुजरता है। सड़क निर्माण के लिए स्थानीय लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, सीएम हेल्पलाइन से लेकर नगर निगम तक शिकायत की, लेकिन सड़क की समस्या दूर नहीं हो पाई, जिसका खामियाजा इस कॉलोनी में रहने वाले लोग भुगत रहे हैं। बरसात के मौसम में तो यहाँ से निकलना किसी आफत से कम नहीं, कब कोई दुर्घटना का शिकार हो जाए किसी को नहीं पता। प्रशासनिक अधिकारी सड़क निर्माण को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उससे निकट भविष्य में सड़क निर्माण होने की संभावना भी नज़र नहीं आ रही। यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद किसी जनप्रतिनिधि या अधिकारी की नज़र इस ओर पड़े और उनकी यह समस्या दूर हो जाए। यहाँ पास बहुत आने जाने में दिक्कत होती है, रोड नहीं बनी है, यहाँ दो चार बार गिर भी चुके हैं, इधर हो चुका है, पानी भर जाता है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। आपका क्या नाम है और किस क्लास में पढ़ते हैं? हम 6 क्लास में पढ़ते हैं, भूपेंद्र यादव नाम है। यहाँ बहुत कीचड़ है, हम सब कोई जब आते हैं तो गिर जाते हैं, टीचर लगता है ड्रेस पूरे गंदे हैं। यहाँ बहुत कीचड़ है, हम लोग आते तो यहाँ पूरा यूनिफॉर्म गंदे हो जाते हैं। सर यहाँ बरसात में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, पानी भरता है सर, बच्चे जो भी आते हैं तो उनको आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो गिर जाते, पूरा उनका यूनिफॉर्म पूरा गंदा हो जाता है। और इसलिए सर मैं कई बार इसमें 181 पर हेल्पलाइन पर फ़ोन किया गया, पर वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती सर। नगर निगम में भी शिकायत की गई है पर कोई भी यहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ये रिक्वेस्ट है सर कि जितना जल्दी हो सके तो ये सब काम देखे। जो कि बरसात के मौसम में सर, मैं 2-4 दफ़े विधायक साहब से भी अपने बोल चुका हूँ रोड के लाने, उनने बोला कि जिससे ज़मीन खरीदे हो उससे आप बोल सकते, उससे बनवाइए रोड। और हम लोग ने नगर निगम में भी 2-4 दफ़े एप्लीकेशन दिया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी भी हम लोग एप्लीकेशन दे के आए, 181 में हमने फ़ोन किया, वहाँ 181 में फ़ोन उठाया, बात हुई उनने हेल्पलाइन में, लेकिन उससे कोई हमको उसका वो नहीं मिला, मतलब रिपोर्ट भी क्या कहते हैं उसका लाभ नहीं मिला। इसलिए आने हम लोग सब डेली आना डेली जाना, हम लोग दो पहिया गाड़ी है, साइकिल ले आने ले जाने में उठा के साइकिल ले आना पड़ता है, ले जाना पड़ता है, बहुत परेशानियाँ।